देश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं राजनीतिक बयानबाजी को लेकर चिकित्सा मंत्री ने यह कहा कि देश और प्रदेश में कोरोना महामारी फैल रही है। सभी राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ काम कर रही हैं। किसी राज्य में कोई बयानबाजी नहीं हो रही, लेकिन प्रदेश में विपक्ष के उपनेता की ओर से प्रदेश में 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, जिस पर मंत्री ने यह कहा कि प्रदेश में चिकित्सा विभाग की टीमें जान जोखिम में डालकर काम कर रही हैं। साथ ही महामारी से लड़ने के लिए सीएम गहलोत ने राजनीतिक पार्टियों से चर्चा की थी और कहा कि ऐसे बयानबाजी देकर माहौल प्लीज खराब ना करें। कोरोना की इस महामारी से, जो कि एक वैश्विक महामारी है, पूरे देश की राज्य सरकारें भारत सरकार के साथ मिलकर इसका मुकाबला कर रही है। किसी राज्य में कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो गाइडलाइन जारी करती है उसकी अक्सर से राज्य पालना कर रहे हैं। हम विचारधारा अलग अलग होते हुए भी इस महामारी से एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं, पर अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह बयानों की झड़ी लगाई है और जिस तरह से पोलराइजेशन की राजनीति की उनके बयानों से बू आ रही है, मुझे बेहद अफसोस है इस बात का। हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता ने आज यहां तक कह दिया कि जो 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है यही आंकड़े झूठे हैं। उन चिकित्सा कर्मियों ने जिन्होंने अपनी जान झोंक रखी है, आप स्वयं चिकित्सा मंत्री रहे हो, इस तरह के बयानों से आप मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हो चिकित्सा कर्मियों का, और जो हमारे दल जा रहे हैं घर घर में पिछले 2 महीने से सर्वे करने का काम कर रहे हैं, ये 6 करोड़ नहीं है, ये संख्या ज्यादा है। और जहां तक क्वारंटाइन बेड की फैसिलिटी का आपने मजाक उड़ाया, आप मेरे साथ चलिए, आप रामगंज चलिए, पहले उस स्थिति का मुकाबला आपको बताते हैं कैसे कर रही हमारे प्रशासन की टीमें, हमारे चिकित्सा विभाग की टीमें और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट। आप अपनी नजरों से देखिए, आप में हिम्मत है तो चलो मेरे साथ, मैं आपको बोल रहा हूँ। और जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज हमने राज्य में डेवलप किए 1 लाख से भी ज्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैड है बैड। आप जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी दे रहे हैं कि विपक्षी दलों को बुला, 3 बार मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि इस कोविड महामारी की राजस्थान में मुकाबला करने का जब शुरुआत की गई तब ही सबसे पहले विपक्षी दलों को बुलाया गया था और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाबचंद कटारिया जी उसमें आए थे।